जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्र 2023 किस दिन से शुरू हो रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त, घट स्थापना शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही हम जानेंगे दुर्गा जी का वो विशेष मंत्र जिसको करने से रोग, कर्ज, शत्रु और कोई भी बाधा दूर हो जाएगी। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 22 जनवरी 2023 से होगी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से साधुओं, तांत्रिकों द्वारा माँ दुर्गा को प्रसन्न और तन साधना के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को गुप्त रखा जाता है, इससे पूजा का फल दो गुना मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि 2023 शुभ मुहूर्त। हिंदू पांचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी 2023 को रात्रि 2:22 से आरंभ हो रही है। 22 जनवरी को ही रात्रि 10:27 पर प्रतिपदा तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में घट स्थापना 22 जनवरी को ही किया जाएगा। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 10:04 से सुबह 10:51 तक है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 दोपहर 1 बजे तक। मीन लग्न की शुक्रवार 22 जनवरी 2023 को सुबह 10:04 से हो रही है। नवरात्र के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग और सिंदूर लगाना चाहिए और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जला ओम धूम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।